मुंबई में गैर कानूनी हथियार की सप्लाई बहुत बढ़ गई थी, उसकी वजह से क्राइम भी बहुत बढ़ गया था। हर गुंडे के पास बंदूक आ गई थी। एक बार दो गुंडों ने एक दूसरे पे गोली चला दी और दोनों मर गए। क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं पहली गोली किसने चलाई होगी? ए वाली की बंदूक का धुआं देखिए, काफी ऊपर आ चुका है और बी का नीचे है, मतलब ए की बंदूक से पहले गोली चली थी। पुलिस ने काफी बार इन गुंडों को पकड़ने की कोशिश की और पकड़ भी लिया, लेकिन गैर कानूनी हथियार की सप्लाई कम ही नहीं हो रही थी। पता है लॉजिकल आर्मी क्यों? क्या आप सोच सकते हैं? पुलिस इन गुंडों को पकड़ रही थी जिनके पास ये हथियार होते हैं। उन्हें पकड़ना चाहिए था जो ये सप्लाई कर रहे थे। अगर सप्लाई रुक जाएगा तो गुंडों के पास हथियार कहाँ से आएंगे? केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल का एक खुफिया आदमी उसे कॉल करके बताता है कि शांति नगर कॉलोनी में उसे एक आदमी रात को चोरी छुपे बंदूक की सप्लाई करते हुए दिखा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। शांति नगर कॉलोनी तो शहर की सबसे अच्छी कॉलोनी है, वहाँ तो कोई भी क्राइम नहीं होता है, इसलिए शायद ये लोग फायदा उठाकर वहीं से हथियार बेचते हैं। मेहुल रात होते ही शांति नगर कॉलोनी के लिए निकल पड़ता है। कॉलोनी में पहुंचते ही मेहुल अच्छी तरह से चेक करता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद मेहुल को तीन लोग दिखाई देते हैं। मेहुल को कुछ गड़बड़ लगती है। क्या आप इन तीनों आदमी को देख के बता सकते हैं कौन से आदमी को देख के मेहुल को गड़बड़ लगी? इन तीनों को गौर से देखिए। पहला और दूसरा व्यक्ति तो नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति के टी शर्ट के अंदर कुछ छुपाया हुआ है। उसका टी शर्ट फुला हुआ दिख रहा है। मेहुल उसके पास जाता है और कहता है, मुझे गन मिलेगी। मेहुल की आवाज सुनते ही वो व्यक्ति जोरों से भागने लगता है। मेहुल भी उसके पीछे भागने लगता है। उसका पीछा करते करते मेहुल एक जगह जाकर रुक जाता है। वो कंफ्यूज में पड़ जाता है कि वो आदमी किस तरह से आगे गया होगा। क्या आप इन दोनों रास्तों को देख के बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, उस व्यक्ति ने कौन सा रास्ता लिया होगा? ए या बी, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, दूसरे रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है पुलिस चौकी 500 मीटर। इसका मतलब इस रास्ते से तो गया नहीं होगा, क्योंकि सामने पुलिस होती जो उसे पकड़ सकती थी, मतलब उसने दूसरा रास्ता लिया होगा। मेहुल पहले वाले रास्ते से आगे चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद ये रास्ता एक जंगल के बाहर आके खत्म हो जाता है। मेहुल जंगल के अंदर जाता है। जंगल बहुत ही डरावना था। थोड़ी दूर चलने के बाद मेहुल को वहां दो छोटे छोटे रास्ते दिखाई देते हैं और कुछ पैरों के निशान भी। क्या आप इन दोनों रास्तों को देख के बता सकता है कौन सा रास्ता उस व्यक्ति ने लिया होगा? ए या बी, सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले रास्ते में पैरों के निशान है, लेकिन वो आदमी ने शूज पहने हुए थे, मतलब वो आदमी ने दूसरा रास्ता लिया होगा। मेहुल भी वही रास्ता लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो आगे मेहुल को एक नदी मिलती है। नदी के उस पार में एक नाव खड़ी हुई है। लगता है इस आदमी ने नदी पार किया होगा, मुझे भी नदी पार करनी होगी। मेहुल को नदी के किनारे तीन नाव खड़ी हुई दिखती है। पहली नाव एकदम अच्छी है, लेकिन उसमें पतवार नहीं है। दूसरी नाव टूटी हुई है और तीसरी नाव तो डूब रही है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए, मेहुल नदी पार कैसे करेगा? पहली नाव एकदम अच्छी है, लेकिन उसमें पतवार नहीं है। लेकिन दूसरी नाव जो टूटी है उसपे पतवार तो है। मेहुल उसका पतवार उठाता है और पहली वाली नाव से नदी पार कर लेता है। नदी पार करने के बाद मेहुल की नजर एक तालाब पे पड़ती है। वो आदमी तालाब में पानी पी रहा था। मेहुल तुरंत उसका पीछा करता है और उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी मेहुल को अपने पास आके देखता है, वो अपनी बंदूक निकालता है और मेहुल पे फायरिंग कर देता है। गोली मेहुल के हाथ को छूकर निकल जाती है और खून बहने लगता है। मेहुल बहादुरी दिखाते हुए पास में पड़े हुए पत्थर को उठाता है और उसके हाथ पे मारता है, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। उसके बाद मेहुल उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है, तुम्हारे पास ये बंदूक कहां से आई और इतनी रात को तुम शांति नगर कॉलोनी में क्या कर रहे थे? तब वो आदमी मेहुल को बताता है, सर मैं शांति नगर कॉलोनी में ये बंदूक लेने ही गया था, लेकिन जब मैं बंदूक लेके लौट रहा था आपने मुझे देख लिया। तुम मुझे उस जगह का एड्रेस दो जहां से तुमने बंदूक खरीदी थी। मेहुल उस आदमी को पुलिस थाने में पुलिस के हवाले कर देता है और निकल जाता है। सामने मेहुल को दो रास्ते दिखाई देते हैं और दोनों शांति नगर की तरफ जा रहे थे। क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? ए या बी, सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
मेहुल के हाथ से खून बह रहा है तो वो रास्ता ए लेगा, पहले हॉस्पिटल जाके बैंडेज करवाएगा। मेहुल तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बैंडेज करवा लेता है और सीधा अपनी गाड़ी लेके शांति नगर कॉलोनी के लिए निकल जाता है। वो उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन मेहुल जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कि वहां एक चिकन शॉप है। रात को ये चिकन शॉप कैसे खुली हो सकती है, मतलब इसी चिकन शॉप में देसी कट्टे बेचे जा रहे हैं। मेहुल उस चिकन शॉप के मालिक से कहता है, मुझे एक देसी कट्टा चाहिए। वो आदमी मेहुल को नीचे से ऊपर देखता है और फिर अंदर से एक कट्टा लाकर मेहुल को दे देता है। मैं पहली बार ये बंदूक यूज कर रहा हूँ, तो मुझे गोली डालकर बताओ इसे कैसे चलाते हैं। वो आदमी मेहुल के कट्टे में 6 गोलियां डालता है और जैसे ही मेहुल वो कट्टा अपने हाथ में लेता है वो उस आदमी की खोपड़ी पर तान देता है और कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, अब सच सच बताओ ये बंदूकें बेचने का धंधा कब से चल रहा है और तुम लोगों को इतनी सारी बंदूकें कहाँ से मिलती है। तब वो आदमी डरते हुए कहता है, सर हम तो बस छोटे मोटे कस्टमर को देसी कट्टे सप्लाई करते हैं, बाकी सारे हथियार शहर में एक बिल्डिंग के अंदर बनते हैं। मेहुल उस आदमी से उस बिल्डिंग का एड्रेस लेता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। तभी अचानक एक शॉर्ट सर्किट होता है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, काफी अंधेरा हो जाता है। मेहुल बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। मेहुल को ऊपर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है, इसका मतलब वो लोग ऊपर ही है। मेहुल ऊपर जाने लगता है तभी उसे सामने लिफ्ट दिखाई देती है, लेकिन वो लिफ्ट का यूज नहीं करता और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने लिफ्ट क्यों नहीं ली, क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी तो लिफ्ट काम नहीं करती थी, इसलिए मेहुल सीढ़ियों से ऊपर जाता है। मेहुल ऊपर पहुंच जाता है और छुपकर देखता है तो दंग रह जाता है, वहां ढेर सारे हथियार पड़े हुए थे। मेहुल छुपकर उनकी बातें सुनता है, उनमें से एक व्यक्ति कहता है, 1 घंटे में हमारा ट्रक यहाँ पहुंच जाएगा, तुम लोग तैयार रहना, हम ट्रक को जल्दी से जल्दी खाली कर देंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब एक ट्रक हथियार और आने वाला है। लगता है ये लोग पूरे शहर को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा, ये बहुत सारे लोग हैं और इनके पास हथियार भी है। क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी यहाँ टोटल कितनी गन्स है? अच्छे से ढूंढिएगा और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ टोटल 13 गन्स है, कुछ इस तरह से। मेहुल पुलिस को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और जल्दी से जल्दी वहां आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग के नीचे एक गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में से 7-8 लोग बाहर निकलते हैं और उस बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये 7-8 लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये पुलिस वाले हैं, इनके शूज देखिए, सब एक जैसे फॉर्मल शूज हैं। पुलिस सिविल ड्रेस में आई है जिससे हथियार सप्लाई करने वालों को शक ना हो। पुलिस वाले तुरंत अंदर आते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। तभी नीचे से ट्रक की आवाज आती है, पुलिस नीचे दौड़ती है लेकिन ट्रक ड्राइवर समझ जाता है और ट्रक को वहां से भगाने लगता है। मेहुल गोली चला के ट्रक के टायर को पंचर कर देता है और पुलिस पूरे हथियार और ट्रक वाले को पकड़ लेती है और इन लोगों की मदद से पुलिस मेन सप्लायर्स तक भी पहुंच जाती है और सबको पकड़ लेती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।